स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास वैक्सीन के अलावा कुछ भी नहीं। बर्थना विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत बिरारी गांव में वैक्सीन कैंप लगाया गया। मोदी सरकार तो फ्री में वैक्सीन लगवाती है, लेकिन यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास वैक्सीन के अलावा कुछ भी नहीं था। यहां तक कि जो पर्चा भर कर दिया जाता है वो भी AANM के पास मौजूद नहीं था। उनके पास पैरासिटामोल भी टैबलेट मौजूद नहीं थी। वहाँ पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग फोटोकॉपी के माध्यम से पर्चा लेकर आए, लेकिन ग्रामीण तो पर्चा लेकर आ गए। वहाँ पर मौजूदा ANM से पूछा तो पत्रकारों को धमकी देती हैं कि तेरा फ़ोन तोड़ दूंगी। देखिए वीडियो में ANM पत्रकार से कैसे बात कर रही हैं। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। आधा घंटा ड्यूटी दी मैम, अब ड्यूटी को तो जाए भाई, नंबर जब आए तब सही। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल, आपके साथ क्या यहाँ मामला हुआ है? आपने बता रहे हैं कि अभद्रता हुई आपके साथ। बिल्कुल, यहाँ पे एक मैडम है जो वैक्सीन लगाती है, और मैंने खुद 27 तारीख को यहाँ वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन 27 तारीख तो अभी तक 31 तारीख हो गई, अभी तक मेरा कोई ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, और ना मेरे मोबाइल पर कोई अभी तक OTP आया कि मेरी वैक्सीन लगी है। और जो मैडम थी, मैंने जब उससे इस बारे में जानकारी मांगी और तो उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। कब का मामला है ये अभी कुछ समझ नहीं। OTP कब से नहीं आई आपके पास? OTP 27 तारीख को मेरा वैक्सीन लगा था, तभी तो कोई OTP नहीं और कोई मेरा ऑनलाइन अपडेट नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, क्या प्रक्रिया है इसके बारे में? आपको कुछ जानकारी हो कि वैक्सीन लगवाने से पहले OTP कब तक आती है? OTP जस्ट कुछ ही समय, क्योंकि हमारे पहले कुछ लोगों के लगी थी, और जो एक दिन में भी लगवाते हैं और जो लगाते हैं तो तुरंत के तुरंत OTP आती है, तुरंत अपडेट हो जाता है, उनका दिखने लगता है। लेकिन यहाँ पे आज भी वैक्सीन लगाई गई, आज भी इनका कोई ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है, और आज भी ऑफर आए रिकॉर्ड कर रखा है। वैक्सीन लगाने जो कर्मचारी आई थी उनका क्या नाम है, और वो क्या किस तरह की आपके साथ अभद्रता कर रही थी? उनका नाम सुषमा है, जो मैंने ऑनलाइन इनका एक रिसीव होता है उसमें देखा है ऑनलाइन, इनका नाम सुषमा है, और इनका बात करने का लहजा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल बदतमीजी से बात करती है।